द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी, लीडिंग इन रिजल्ट्स ईयर बाय ईयर, ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था? कहाँ तक पढ़ा और क्या पढ़ा? कल हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ और करते हैं। ठीक है, बेड क्लोज कर लो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 2.8283 ऐसा कुछ होगा, समथिंग हेडिंग होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए एंड बी आर पार्टनर्स, एस कैपिटल 1 लाख, बी कैपिटल 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बेटा देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। मैं क्वेश्चन का डाटा यहां प्रेजेंट कर देता हूं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन का डाटा लिख देता हूं। डिटेल ए और बी पार्टनर है, इनकी 1,60,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डाटा आप लोग नोट कर लो, 6% पर एनम, विच इज, ये कैलकुलेट करके दे दिया 6,36,000। सैलरी मिलती है बी को 3,000 पर मंथ। ठीक है, 3,000 पर मंथ बराबर। हमको कितने दिन की चाहिए? 12 महीने साल का। यानी क्या करोगे तुम, 3,000 × 12 = 36 पर एनम। प्रॉफिट कितना है? 80,000। ये आपके पास डाटा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जी का आशीर्वाद लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच? 80,000, ये 80,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैलकुलेट करके दे दिया ए और बी का 6,3600, टोटल 9,600। टू बी सैलरी, बी की सैलरी हाउ मच? 36,000। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी। देखो इधर कितना है, 80, यहां भी कितना होना चाहिए, 80। दोनों का टोटल डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, 80 में से ये दोनों माइनस कर दो, कितना आएगा? हाउ मच इट कम्स?
सिंपल है, ईएससी है ना, ईएससी है 80 में से 40 माइनस करो, 40 बचा, पर 4 ज्यादा माइनस कर दिए तो वापस प्लस कर लो, यानी कितना 44, 44, 44 में से माइनस करो 9, 35, 44 में से माइनस 9, 44, अभी 600 और है, तो कितना 34, 400, 34, 400, ओके, बराबर है क्या? तो यहां पे कितना आ जाएगा 34,400। अब रेशो दिया है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग 200 क्वेश्चन में कहीं इस डाटा में लिखा है? नहीं लिखा। मतलब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इक्वल, यदि रेशो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कैसे बांटना है? इक्वल कर दो, डिवाइडेड बाय कितने पार्टनर है? 2। दिस इज क्वेश्चन डन। ठीक है, नोट कर लो। इधर हटा दूंगा क्वेश्चन गिवन, ये हटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन, क्या क्या गिवेन है देखते हैं। ठीक है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक्स वाई और जेड पार्टनर है, इनका रेशो है 2:1। क्या रेशो है? 2:1। क्वेश्चन में लिखा था फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वन, पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितनी है? फाइव लाख। ठीक है, 5 लाख 5 लाख और 2.5 लाख फिक्स है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। आईओसी का रेट क्या है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, और आईओसी कितना दे दिया? 50,000 और 25,000। देखो प्रॉफिट के लिए बोला, प्रॉफिट प्रॉफिट है ₹4 लाख, और ब्रैकेट में बोला आफ्टर जेड्स सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। ये क्वेश्चन है आपको मित्रों, क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई जेड पार्टनर
फिक्स कैपिटल पांच पांच और ढाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम 50, 50 और 25,000। इन्होंने बोला जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है, लेकिन जेड को सैलरी देने के बाद ये 4 लाख जो है वो कैसे हैं, जेड को सैलरी देने के बाद, और जेड की सैलरी कितनी है 2000 पर मंथ, यानी साल भर की कितनी हुई 24,000। कैसे आया सर, सैलरी को प्रॉफिट में जोड़ दी, चार लाख का प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद। तो यदि सैलरी देने के पहले चाहिए तो क्या करोगे, 4 लाख का प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद, और सैलरी देने के पहले प्रॉफिट चाहिए तो सैलरी प्लस कर दोगे, तो मैंने क्या करा प्लस कर दिए 4,24 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है 4,24,000 कैसे आया, 4 लाख का प्रॉफिट प्लस 24,000 की सैलरी, एक्स वाई और जेड 50,000, 50,000, 25,000, टोटल 1,25,000। जेड की सैलरी कितनी 24,000, एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 4,24,000, इधर भी 4,24,000 माइनस कर दो, ये ₹2,75,000 मेरे हिसाब से, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर दो। अब क्या करोगे, 2,75,000 को बांटोगे किस रेशो में, 2, 2 और 1 के रेशो में, समझ लो ये जो रेशो दी है ना, इस रेशो में ये प्रॉफिट बांटना, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट लिख दोगे और मल्टीप्लाई के बाद वो रेशो लिख दोगे, और इसको डिवाइड कर दोगे रेशो के टोटल से, रेशो का टोटल कितना, 2, 2, 4 और 1, 5, कितना 25 और 25, कैसे 25, 2 बचा, 2 इसको दिया तो ये भी क्या हो गया 25, ठीक है हो गया 55, उसके बाद 3 0, एक बार इधर और एक बार इधर और एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 55,000 × 2, सुन लो 55,000 × 2, 55,000 × 2 और 55,000 × 1, तो आंसर क्या है 1,10,000, 1,10,000, 55,000, डन, बहुत आसान है सर, यस इट्स वेरी आसान। तो सर एग्जाम में जो आएगा वो आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्सचर, खैर मैं पढ़ाऊंगा तो सब आसान ही लगेगा। Again, take this screenshot or note down whatever you like. Just pause the video and do it yourself. How much time you are going to take
अब इसको आप अल्टरनेटिवली और क्या कर सकते थे, अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसा कर सकते थे कि ये सैलरी यहां प्लस नहीं करते, अल्टर आप इसका क्या कर सकते थे कि ये सैलरी हटा दो, यहां से भी हटा दो, यहां सीधा क्या लिख दो 4 लाख, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। तो सर हमको पहले गधा माली क्यों करवाई, अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसा भी कर सकते हो सामने कि भाई आफ्टर सैलरी है ना, प्रॉफिट क्या है आफ्टर सैलरी, सैलरी देने के बाद तो सैलरी लिखो ही मत इसमें, तो सैलरी इसमें लिखो ही मत बराबर। पर सर आपने हमको ऐसा क्यों करवाया, क्यों कराया उसकी वजह बताऊंगा। स्पेशली इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड का आएगा, जब भी हम वो क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने कराया। सीबीएसई में भी आएगा और खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने कराया बराबर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो इच्छा है आपकी कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल ने दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल ने दिए हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, इनकी कैपिटल है। और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो ये डिवेंट आकर लिख ही करो, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5% पर एना। वाई को सैलरी मिलती है एनुअली, एनुअली का मतलब क्या है साल भर में, वहां की साल भर की सैलरी कितनी है 6,000, विच इज नॉट विड्रॉन, जो उसने विड्रॉ नहीं करी, ये दुश्मन की चाल है, विच इज नॉट विड्रॉन दुश्मन की चाल है, कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट गिवन है 24,000 आफ्टर बीस सैलरी, सॉरी आफ्टर वाई सैलरी, वाई की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना 24,000, वाई को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है ये आफ्टर है, अपने को क्या बिफोर, तो बिफोर क्या आएगा प्रॉफिट, बिफोर सैलरी कैसे बनाओगे 24,000 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा 30,000 बराबर है। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन आपको देना है 5% का, मैनेजर को कमीशन कितना देना है 5%, तो लिखो मैनेजर कमीशन इज गिवन इज टू बी अलाउड
on profit calculated at profit and loss account. Profit and loss account, not that is before appropriation of profit. That is before appropriation of profit, which means before profit, which means profit before allowing salary and IOC etc. to partners. क्या समझे क्वेश्चन में क्या बोला कि मैनेजर को कमीशन देना है कितना 5%. तो ये ध्यान रखना, ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब फंडा है, ये क्रक्स. क्या क्रक्स है याद क्या रखना आपको, कि जो मैनेजर को कमीशन दोगे ना वो किस प्रॉफिट पे दोगे, जो आपने पीएनएल अकाउंट पर निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट में मैनेजर को कमीशन दिया जाता है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट से नहीं देते, यानी कि उस प्रॉफिट पर देना है जो प्रॉफिट पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट कुछ भी देने से पहले का हो. किस प्रॉफिट पे देना है मैनेजर कमीशन, वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में निकला है, जिसका एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है. इसका मतलब कि उस प्रॉफिट पे देना है जो पार्टनर की सैलरी इंटरेस्ट से पहले का हो. उस प्रॉफिट पे देना है जो पार्टनर की इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन से पहले का हो. इसलिए हमने क्या निकाला, बिफोर. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बिफोर क्यों निकलवाया था, यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने उसमें भी बिफोर निकाला था और इसमें भी मैंने बिफोर निकाला था. क्लियर, समझ गए क्या, कोई डाउट हो तो बोलो. डन, आगे बढ़ू. कैलकुलेट कर दो मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन कितना प्रॉफिट है, 30,000 इंटू 5/100 1500. अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप कैसे बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस शीट डीडी या बाय पीएनएल अकाउंट है, कितना 30,000 माइनस 1500 का कमीशन, मैनेजर कमीशन ये माइनस हो जाएगा, ये अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा. तो कितना है 28,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 80,000 का 5%. कैसे निकालोगे, 4,000 निकाल लिया, 4,000 और 3,000 7 टू वाई सैलरी
वाई की सैलरी 6000, टू बाकी तो कुछ है नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर सॉरी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, इधर 28,500 और इधर इसमें से दोनों चीजें माइनस कर दो तो कितना आएगा, 15,500। 15,500 को 3:2 के रेशो में बांट दो, इस रेशो में बांट दो, कैसे बांटोगे, 15,500 इंटू 3:2 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज योर आंसर। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, सावन सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, अच्छा क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम एक हल्का फुल्का क्वेश्चन करेंगे, है ना, जितने क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। प्रेम और मनोज दो पार्टनर है, 3:2 का रेशो है। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, प्रेम को सैलरी 2500 रुपए पर मंथ देना है, सॉन्ग से दिक्कत थी, प्रेम को सैलरी देना है कितना, 2500 रुपए पर मंथ, हमें काउंटिंग साल भर की करेंगे, पर मंथ दिया है तो 12 का मंथली प्लान होगा और क्वार्टर दिया है तो 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर से एक पूरा खंभा बनता है, है ना, समझाने की जरूरत नहीं सर, हम सब समझते हैं, ठीक है। मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर, क्वेश्चन में पूरा लिखूंगा एक बार पढ़वा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, मतलब 5% का कमीशन कैपिटल पे देना है और यदि पार्टनर कोई ड्रॉइंग करता है तो उससे 5% का कमीशन चार्ज करना है, बराबर, कोई तकलीफ, ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, अच्छा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग दे दी कितनी, 1250 और 425, बंद क्यों कर दी बुक, दिखेगा क्वेश्चन बुक में, मनोज और प्रेम देख लो मिलेगा है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर, अच्छा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, 10,000 और 75,000 100, द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 90,575, 90,575 रुपीज का प्रॉफिट है, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, इट्स वेरी आसान, लेट्स मेक, पर उससे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो, क्या क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का है, इससे पहले हमने 14-15 किए, है ना, 14-15 तीन क्वेश्चन किए हमने, टीएस ग्रेवाल सर का है, 2020 एडिशन बुक का क्वेश्चन है, प्रेम और मनोज, प्रेम की पूजा नहीं करनी बेटी, अभी सवाल करना है, 3:2 का रेशो है, इनका सैलरी आपको देना है, किसको देना है, प्रेम को 2500 रुपए इंटू 12 जो भी आ जाए, आई थिंक 30,000 आएगा, है ना,
30,000 आएगा, शायद 30,000 ही आएगा। कमीशन देना है मनोज को 10,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12,50 425 और आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 और 75,000। प्रॉफिट है 90,575। पूरा क्वेश्चन पढ़ो और ऐसा लिख लो। क्वेश्चन को पढ़ो और ऐसा लिख लो, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट समस्या आएगी नहीं। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखना। पर्टिकुलर अमाउंट जब से मैंने पार्टनरशिप शुरू किया ना, तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, मतलब काफी व्यूज बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, बाय पीएनएल अकाउंट कितना है 90,575 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कल फॉर्मेट बनाया था ना अपन ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम और मनोज कितना है 12,50 और 425 कितना 16,75। यहां पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल प्रेम और मनोज 10,000 7,500 17,500 2 प्रेम सैलरी। प्रेम की सैलरी कितनी है 30,000। 2 मनोज कमीशन, मनोज का कमीशन है 10,000। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रेम मनोज। कितना आएगा जोड़ के बताओ, नाइन जीरो 575 प्लस 1675 92250 सही है। यहां भी आएगा 92250। ये तीनों चीजें माइनस कर दो, जो 34750 आया है इसको इस रेशो में बांटना है। कैसे बांटोगे, 34750 इंटू 3:2 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5। तो कितना आ जाएगा 6950। एक बार इसमें गुणा करना और एक बार इसमें करना, तो एक प्रेम का आएगा 20,850 13,900। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान है ना, कोई तकलीफ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है,
कैपिटल दिया गया। आज मैं तुमको ये सिखाता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो और कैपिटल ना दी हो तो कैसे निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है। आईओसी का रेट क्या है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 6 या 5 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का रेट कितना है, 5% पर है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6% पर है ना, इसका जो रेट है वो क्या है, 6% पर है ना। ये तुमको दिया है क्या, नहीं दिया का रेट दे दे और उस रेट का अमाउंट दे दे तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे ये समझो। तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 1250, प्रेम की, दिस इज प्रेम एंड मनोज, ठीक है, मैंने बोला प्रेम और मनोज की ड्राइंग बताओ तुम कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट पार्टनर्स ड्रॉइंग एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे निकालो, बताओ, इसका जवाब मैं दे चुका हूं कल। कल के लेक्चर में मैंने इसका जवाब दिया था, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, when rate of interest on drawing and amount of interest is given, यदि तुमने 8th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो ये बन जाएगा। सर हमने कोई 11th का तो याद नहीं है, आप 8वीं में ले जाके फंसा रहे हो, क्या याद नहीं, तो देखो बेटा कल मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था, जो है उससे डिवाइड कर दो, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास जो चीजें होती हैं तुम उसको डिवाइड करते हो यानी उसका यूज करते हो, डिवाइड करने से वैल्यू छोटी हो जाती है ना, है ना, यूज करने से चीजें कम हो जाती हैं, मल्टीप्लाई कर लो मतलब परचेस कर लो, है ना, परचेस करते हो तो चीजें बढ़ती हैं, तो जो है वो से डिवाइड कर दो और जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रह्मास्त्र। अब मैं तुम्हें बताऊं साल भर की जो ड्राइंग होगी वो 100% होगी या जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, 100% होगी, तुमको दिया कितना है उसने, 6%, यानी प्रेम की ड्राइंग कितनी होगी, 12 IOD डिवाइडेड बाय रेट ऑफ IOD इंटू 100 तुम्हारा अमाउंट निकल जाएगा, कितना आएगा, 1250 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 जो भी आ जाए, और मनोज का $425 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 कर दोगे तो मनोज का भी अमाउंट
आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने कितनी ड्राइव करी इस तरीके से अमाउंट निकालोगे। पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्वेश्चन करेंगे एमपी बोर्ड की बुक का, ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। ड्राइंग है ए की 20,833 रुपए और मनोज की 7,830। ठीक है, ऐसे ही अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? प्रेम और मनोज, क्या फार्मूला लगाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। मनोज का 7,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कितना आएगा? 2,00,000। और इसका 1,50,000। इस तरीके से तुम कैलकुलेशन करो, जो है उससे डिवाइड जो चाहिए उसका मार्जिन कितना है। और हर जगह काम आता है ये कॉन्सेप्ट, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो भी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है, और ये कोई नहीं पढ़ाता कल तुम्हें, ये कैलकुलेशन कोई भी सिखाता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट का रेट दिया है तो ड्राइंग निकाल लो या कैपिटल निकाल लो, जरूरत भी नहीं लगती। पर तुम सीख लो, कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। मेन कॉन्सेप्ट जानना है, इससे क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। ठीक है, चलो आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहां से। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना समय दिया। पर एक ही निवेदन है, वीडियो पूरा देखना।